भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को इंदौर पहुंचे। इस दौरान मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष राकेश सिंह सहित अन्य नेताओं ने नड्डा का अभिनंदन किया। करीब 11:30 बजे नड्डा की रैली बड़ा गणपति चौराहे से शुरू होकर राजीव गांधी प्रतिमा चौराहे पर पहुंची, जहां एक आयोजन किया गया। राजीव गांधी चौराहे स्थित शुभकारज गार्डन में नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान नड्डा ने नागरिकता संशोधन कानून के संबंध में लोगों को जानकारी दी। शुभकारज गार्डन में नड्डा सिंधी समाज और सिख समाज सहित ऐसे लोगों से मिले जो बरसों से नागरिकता बिल की प्रतीक्षा कर रहे थे। बता दें कि रैली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, सांसद शंकर लालवानी, विधायक और कई नेता शामिल हैं। पहले रैली के रूप में बियाबानी रोड भी शामिल था, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते रैली से ये हिस्सा हटा दिया गया। रैली में 20 से ज्यादा गाड़ियों के काफिलों को नहीं दी इजाजत। नड्डा की स्वागत रैली में सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए थे। रैली में 20 से ज्यादा वाहन शामिल नहीं होने की बात कही गई थी। वहीं रैली 35 मिनट में पूरी करने के निर्देश भी दिए थे। हालांकि रैली ने तय स्थान तक पहुँचने में काफी समय ले लिया। रैली में नड्डा ने गाड़ी का कांच खोलकर लोगों का अभिवादन किया।